दोस्तों आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड ने बोर्ड की परीक्षा को अभी फिलहाल स्थगित किया है। अभी तक कोई नया निर्णय नहीं आया है कि बोर्ड की परीक्षा आगे जो है स्थगित किया जाएगा या बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा या आगे जो है बोर्ड की परीक्षा लिए भी नहीं आप लोगों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों कल के अपडेट में आपने देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने एक क्राइटेरिया लागू की है जिसमें 15 बिंदुओं पर जो है उनका जो है रिजल्ट जारी किया जा रहा है, जिन छात्रों का जो है बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया है, कैंसिल किया है। तो दोस्तों कई स्टेट के बोर्ड की परीक्षा को भी रद्द कर दी है, जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ वालों ने जो है बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दी है और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का जिस तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है, जिस आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, उन्हीं आधार पर जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो क्या यहाँ पे एक मेन मुद्दा रह जाता है कि क्या झारखंड वाले छात्रों का भी, यानी कि झारखंड के मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्रों का भी बोर्ड की परीक्षा आगे भी स्थगित होगी या उनको भी रद्द किया जाएगा या उनका रद्द किया जाता है तो किस तरीके से, किस क्राइटेरिया से जो है उनकी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, आप सभी छात्रों को गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। झारखंड बोर्ड के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है। दोस्तों कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैंने आपको बताया था कि बिजली की यहाँ पे काफी समस्या है क्योंकि दोस्तों पोल जो है गिर चुकी है, तारे टूट चुकी है क्योंकि जो आंधी आई थी उसके कारण जो है पूरी तहस नहस हो चुकी थी, इसलिए बिजली काफी कटी हुई थी। दोस्तों आपसे जो है रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है, तो दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा क्योंकि हमारी नजर जो है सभी बोर्ड परीक्षाओं पर है, उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा का समीक्षा जून में, यानी कि 1 जून को जो है आप लोगों की बैठक होने वाली है जो कि हाई लेवल की बैठक होने वाली है जिसमें जैक बोर्ड के सचिव माहिब कुमार सिंह, जैक बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह और सर जो है सीएम सर भी शामिल रहेंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या उन सभी छात्रों की, जिस तरीके से अभी देख सकते हैं कि COVID-19 का केस जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। आज भी मीटिंग होने वाली है, आज लगभग 3:30 बजे मीटिंग होने वाली है बोर्ड की परीक्षा से रिलेटेड और अन्य विषयों पर जो है चर्चा होने वाली है। दोस्तों मैं आपको कहूं कि आज जो मीटिंग होने वाली है इसमें यह भी वार्तालाप किया जाएगा कि आगे भी क्या निर्णय ले सकती है सरकार, ठीक है, क्योंकि दोस्तों COVID-19 का केस जो है काफी तेजी से बढ़ सकता है। तो ऐसा अंदाजा लग रहा है जिस तरीके सूत्रों से मुताबिक पता चल रहा है कि आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा आगे भी स्थगित हो सकती है या उन सभी छात्रों को रद्द किया जा सकता है। मान के चलिए मैट्रिक वालों को रद्द करती है तो सीबीएसई बोर्ड वाला जिस तरह से क्राइटेरिया से रिजल्ट तैयार कर रही है उसी आधार पर जो है आप लोगों का रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों यहां पे देखिए क्या क्या बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहां पे बताया कि राज्य में वर्ष 2021 के मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा होगी या नहीं इस पर अभी तक जो है अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, ठीक है। 1 तारीख को इसकी समीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा लेने के संबंध में जून में समीक्षा होगी, COVID-19 की स्थिति देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 4 मई से पूर्व मैट्रिक इंटर की परीक्षा प्रस्तावित थी परंतु COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने, यानी कि सीएम सर ने ऐलान किया था कि परीक्षाएं जो है फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बताया कि इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा को भी बीच में रोक दिया गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को अप्रैल में जो है प्रायोगिक परीक्षा हो रही थी तो इसमें जो है बीच में ही जो अनाउंसमेंट कर दिया गया कि नहीं बोर्ड की परीक्षा के साथ जो है प्रायोगिक परीक्षा को भी फिलहाल स्थगित किया जाएगा, प्रायोगिक परीक्षा अब नहीं लिया जाएगा क्योंकि अब जिन छात्रों का प्रायोगिक परीक्षा होगी उनको क्या नंबर मिलेगा, कितने नंबर मिलेंगे और जिन छात्रों की परीक्षा अभी बाकी है यानी नहीं दिए थे प्रायोगिक परीक्षा उनको किस आधार पर नंबर दिया जाएगा उन पर भी चर्चा करनी बाकी है। तो दोस्तों आज देखते हैं क्या अपडेट आती है, मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूंगा। दोस्तों यहां पे आगे बताया है कि मैट्रिक इंटर के अलावा जो है कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड की परीक्षा पर अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि 9वीं और 11वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है कैंसिल किया जाए या उनकी परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी आधार पर जो है लिया जाए या उन सभी छात्रों को अगली कक्षा में कक्षा 8वीं के तरह ही प्रमोट कर दिया जाएगा, इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों जैक बोर्ड के हर अपडेट में मेरी नज़र है क्योंकि आज जो मीटिंग है उसके बाद क्या अपडेट आती है कक्षा 9वीं और 11वीं के उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।